हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स आवर टूडेज टॉपिक इज मीन फॉर अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम मीन्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आएगा एंड जिसका आप आगे यूज कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम सो यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानि स्टेटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो नाउ लर्निंग आउटकम्स सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू यानि कि आज का टॉपिक का वीडियो देखने के बाद जो आपको समझ में आता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स so you will be able to write and explain the formula of mean having frequency तो आप mean का formula लिख भी सकते हो and उसे explain कर सकते हो and find the value of mean by using the formula formula का use करते हुए आप example solve कर सकते हो सो बिफोर स्टार्टिंग our today's लेक्चर फर्स्ट क्विकली रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन करते हैं सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा फार्मूला ऑफ मीन ऑफ रॉ डाटा अगर आपको रॉ डाटा गिवन है तो मीन कैसे निकालते हैं क्या फार्मूला देखा हमने एक्स बार इक्वल्स टू समेन एक्स आई बाय कैपिटल एन ऑब्जर्वेशन यानी डाटा की हमने न्यूमेरेटर में एडिशन की एंड नीचे क्या लिखा कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एग्जांपल्स टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए तो लेट इस स्टार्ट आवर टूडेज क्लास ऑन मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आज हम मीन निकालेंगे अनग्रुप डाटा का लेकिन उसमें क्या गिवन रहेगा फ्रीक्वेंसी तो इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मीन कैसे निकालते हैं वो देखा लेकिन उसमें और इस आज के लेक्चर में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ दोनों ही मीन के ही फॉर्मूले रहेंगे लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है तो ध्यान से देखिए मैं पहले प्रीवियस लेक्चर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखती हूँ क्या है मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू समेशन। समेशन यानी क्या होता है एडिशन किसके एडिशन की थी हमने जो हमें गिवन डाटा था हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दिया था उसकी यानी कि उसे हम एक्स कहते हैं और i यानी कि वन टू थ्री फोर जितने भी डाटा रहेगा उसे तो उसकी हमने एडिशन की थी न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखा था कैपिटल एन ये कैपिटल एन क्या था वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन ठीक है तो समेशन एक्स आई अपॉन कैपिटल एन तो यहाँ भी हम मीन ही निकालने वाले हैं फिर दोनों में डिफरेंस कैसा तो ध्यान से देखिए वो डाटा हमारा रॉ डाटा डाटा था और वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी क्या नहीं और इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ अनग्रुप डाटा मतलब डाटा अभी भी रॉ डाटा है सिंगल सिंगल नंबर्स रहेंगे लेकिन साथ में क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो आपके फॉर्मूले में बस यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रिक्वेंसी तो मीन का फॉर्मूला ये आप टेंथ स्टैंडर्ड में पहले ही पढ़ चुके हो फिर भी हमें एक बार यहाँ पे रिवीजन करनी है सो मीन एक्स बार इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है यहाँ पे समेशन अभी भी एडिशन लेकिन एडिशन किसकी एफ आई इंटू एक्स आई फ्रिक्वेंसी इंटू ये डाटा जो गिवन रहेगा ध्यान से देखिए आ गया डिफरेंस यहाँ फ्रिक्वेंसी है क्या नहीं जब फ्रिक्वेंसी गिवन रहेगी तो इसके सामने से क्या लगाना है हमें फ्रिक्वेंसी एफ आई एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आप चाहें तो कैपिटल एन भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कैपिटल एन रहेगा उसका मीनिंग क्या होता है उसका मीनिंग होता है समेशन एफ आई तो आप यहाँ पे समेशन एफ़ आई लिखिए क्योंकि अगर गलती से आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख दिया यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ ये गलत हो जाएगा यहाँ पे समेशन एफ आई यानि एन होता है वेयर समेशन एफ़ आई का मतलब ही क्या होता है कैपिटल एन लेकिन यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम रहेगा उसकी हमें एडिशन करनी पड़ती है देखिए समेसन समेशन तो याद रखिए अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में तो आप ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इस तरीके से इसके सामने एफ़ लगाएंगे फ्रीक्वेंसी और नीचे भी क्या लिखेंगे एफ़ सो मीन इक्वल्स टू समन एफ आई इन टू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें एडिशन लेकिन किसके एडिशन करनी है हमें एफ आई इन टू एक्स आई मतलब पहले हमें एफ आई एंड एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड जो कॉलम मिलेगा उसमें लास्ट में हम उसकी क्या करेंगे एडिशन एंड नीचे एफ आई की एडिशन तो इस तरीके से अनग्रुप डाटा है हमें गिवन एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे अब ये फार्मूला का यूज़ करते हुए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो so, अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल सो कैलकुलेट मीन अभी भी हमें मीन ही निकालना है एक्स बार उसे ही एवरेज कहते हैं सो कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन नीचे हमें एक डाटा गिवन है ठीक है तो अब हम मीन निकालेंगे तो so, कैसा एग्जाम्पल है डेली एक्सपेंडिचर ध्यान से देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ एक्स आई एंड यहाँ फ्रिक्वेंसी एफ आई लिख के आ सकता है या फिर यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर क्लास इंटरवल ऐसे वर्ड्स लिख के आ सकते हैं और नीचे क्या रहेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ये वारंवारी त होती है ठीक तो है तो डेली एक्सपेंडिचर यानी एक्स आई की थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फोर नाइन टेन एट सिक्स थ्री ऐसा हमें गिवन है तो देखिए मीन निकालना है लेकिन आपके एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले आप बताइए आप अभी यहाँ पे फार्मूला कौन सा लिखेंगे समेशन एक्स आई बाई कैपिटल एन लिखेंगे या फिर समेशन एफ आई इन टू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई यस तो इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो जिस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी है वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला सो so एक्स बार यानी कि ही क्या होता है मीन क्या फार्मूला लिखेंगे आप समेशन फ्रिक्वेंसी होने के कारण एफ आई इन टू एक्स आई एंड नीचे भी समेशन एफ आई इसे ही कैपिटल एन कहते हैं तो अब ये फॉर्मूले में रखने के लिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एडिशन किसकी है एफ आई इन टू एक्स आई एफ आई इं टू एक्स आई इं टू एनी मल्टीप्लीकेशन तो सबसे पहले हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा तो हम इसे अभी यहाँ पे क्या करते हैं कॉलम वाइज लिखते हैं ठीक है, द्यानसे 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 है? दिखे दिखे, तो कितने कॉलम बनेंगे ये कौन बताएगा ये फॉर्मूला बताता है इसीलिए सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले हमें क्या लिखना है फॉर्मूला फॉर्मूला बताता है कि आपके नीचे के सॉल्यूशन में कितने कॉलम्स बनेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए पहला कॉलम कौन सा रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना तो पहले ये दोनों कॉलम सिंगल सिंगल होनी चाहिए तो पहला कॉलम रहेगा एक्स आई का दूसरा कॉलम रहेगा एफ आई का एंड तीसरा रहेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पे पहला कॉलम रहेगा एक्स आई दूसरा कॉलम रहेगा एफ आई दोनों हो गए अलग अलग एंड किसकी एडिशन करनी है मल्टीप्लीकेशन की तो ये तीसरा कॉलम ये रहेगा एफ आई इंटू एक्स आई तो अब इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ध्यान से देखिए एक्स आई अपने मन से कोई भी वैल्यू नहीं उठानी है जो क्वेश्चन में गिवन है वही और ध्यान से देखिए कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ एक्स आई लिखा हुआ है लेकिन हो जाती है कभी गलती तो यहाँ पे एफ आई की वैल्यू लिख देते हैं एंड यहाँ एक्स आई की तो इस प्रॉब्लम में तो कोई तकलीफ़ नहीं होंगी क्योंकि इतना ही निकालना है लेकिन आगे जब कॉलम्स बढ़ेंगे तब वहाँ रॉन्ग हो सकता है तो यहाँ अगर एक्स आई है तो आपका दूसरा हाथ यहाँ पे रखिए ये एक्स आई की वैल्यू है तो ये यह हमें यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लिखनी है सो तो लिखते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ एट तक है उसके सामने की फ्रिक्वेंसी थ्री की जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वही लिखनी है आपको चेंज नहीं करना है नंबर इधर का उधर ठीक है सो so, फ्रिक्वेंसी क्या है यहाँ पे फोर नाइन टेन एट सिक्स थ्री आप चेक कर सकते हैं थ्री फोर फोर नाइन फाइव टेन सिक्स एट सेवन सिक्स एट थ्री राइट अब इनका क्या करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन तो आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में आपको परमिशन है कैसे यूज़ करने की ठीक है सो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स फाइव इंटू टेन फिफ्टी सिक्स इंटू एट फोर्टी एट सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू and एट into टू थ्री ट्वेंटी फोर तो ये हो गया हमारा एफ आई इंटू एक्स आई अब क्या करते हैं इसे टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे सिस्टेमेटिक दिखने के लिए ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम एफ आई का एंड तीसरा एफ आई इंटू एक्स आई का ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है हमने एक्स आई लिख लिया कॉलम वाइज एफ आई भी लिख लिया कॉलम वाइज एंड बाद में एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन की एडिशन है तो इसलिए एफ़ आई इंटू एक्स आई भी हमने कैलकुलेट कर लिया है अब अगर हमें एक्स बार की वैल्यू निकालनी है तो आप या तो टेबल के नीचे सॉल्व कर सकते हो या फिर साइड में जगह रही तो वहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं सो देर फॉर मीन जिसे ही हम डिनोट करते हैं एक्स बार से क्या फॉर्मूला है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई अब इसमें वैल्यू पुट करनी है ध्यान से देखिए किसकी एडिशन करनी है जो जिसके एडिशन करने के लिए कहा जाए उसी कॉलम के हम नीचे यहाँ पे एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या कहा है एफ आई इंटू एक्स आई की एडिशन तो कहाँ है वो कॉलम ये तो यहाँ इसके एडिशन करते हुए हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो अब आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर ठीक है तो उसे हम पहले ऑन करेंगे अब चालू करने के बाद बताइए कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे ट्वेल्व प्लस थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टी प्लस फोर्टी एट प्लस फोर्टी टू प्लस ट्वेंटी फोर ठीक है देखिए ध्यान से यहाँ पे पूरे नंबर्स डाल दिए मैंने ऐसे ये वाले एफ आई इन एक्स आई के अब इसके एडिशन है इक्वल कितना आ गया टू वन टू ठीक है तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू टू वन टू ठीक है तो यहाँ पे तो ये मिल गया हमें समेशन एफ आई इंटू एक्स आई सो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है इनकी एडिशन कितनी आई कैलकुलेटर में टू वन टू तो यहाँ पे लिख दिया अब देखिए नीचे क्या है समेशन एफ आई यानी कि किसके एडिशन है एफ आई तो हम एफ आई के कॉलम में जाएंगे एंड उसकी एडिशन यहाँ पे करके लिखेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे गलती करते ही स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई एंड किसके एडिशन करते हैं एक्स आई के कॉलम की आपका आंसर कैसे सही होगा आपको यहाँ पे स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं तो इतनी अगर स्टेप की आपको तो वन मार्क्स मिलेंगे ये यह यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आधा एंड लास्ट आंसर पे आधा मार्क्स मिलेगा लेकिन अगर यहाँ आपने गलती से एक्स आई की वैल्यू पुट कर दी तो आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर अगर ये दो मार्क्स का एग्जाम्पल है तो कितने मार्क्स मिलेंगे सिर्फ एक मार्क्स क्योंकि आपने टेबल बराबर बनाया है तो किसके एडिशन करेंगे हम एफ आई कहाँ है एफ आई का कॉलम ये बीच वाला ध्यान से देखिए जो भी कैलकुलेशन करेंगे पहले वहाँ पे हमारी उंगली आपको रखनी है सो एफ़ आई यहाँ पर है तो इसकी अब हम एडिशन करते हैं ये डिलीट कर देते हैं ठीक है सो so, बोलो एफ आई क्या है यहाँ पे फोर प्लस नाइन प्लस टेन प्लस एट प्लस सिक्स प्लस थ्री ऐसे डालने के बाद यहाँ पे इक्वल कितना आया यहाँ पे फोर्टी ठीक है तो समेशन एफ आई की वैल्यू क्या है फोर्टी तो यहाँ पे हम लिख देंगे समेशन एफ आई इक्वल्स टू फोर्टी अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे बराबर जगह पे पुट करेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे समेशन एफ आई इन टू एक्स आई क्या वैल्यू है टू वन टू एंड नीचे समेशन एफ आई कितना आंसर है यहाँ पे फोर्टी अब हम ये कैलकुलेटर में डालेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे आंसर आप फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो ठीक है तो ये हमारा कैलकुलेटर है ठीक है चलिए तो अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम so, सो ये बटन यहाँ पे है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की तो ये दबाने के बाद क्या लिखेंगे आप ऊपर टू वन टू अब ऊपर टू वन टू लिख दिया हमने अब नीचे जाना है तो यहाँ पे देखिए ये बड़ी सी बटन है यहाँ पे साइड में जाने के लिए ऊपर एंड नीचे जाने के लिए एरो दिया हुआ है तो हम ये नीचे वाला दबाएंगे तो अब हम नीचे पहुंच गए ठीक है तो यहाँ पे कितना कौन सा नंबर है फोर्टी तो हम डालेंगे फोर्टी ध्यान से देखिए कैलकुलेटर में टू वन टू डिवाइडेड बाई फोर्टी और लास्ट में हम दबा देंगे इक्वल की बटन सो दबाने के बाद क्या बता रहा है कैलकुलेटर फिफ्टी थ्री बाई टेन लेकिन हमें अगर पॉइंट में चाहिए तो कौन से बटन दबाएंगे ध्यान से देखिए यहाँ पे डिलीट की बटन है नहीं दबानी है डिलीट के ऊपर की जो बटन है एस डी वो हम दबाएंगे तो ये हमें पॉइंट में कन्वर्ट करके बताएंगा दबा दी तो कितना आंसर आ गया पे? So, यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री सो यहाँ पे आंसर कितना आया है फाइव पॉइंट थ्री तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे फाइव पॉइंट थ्री सो देर फोर मीन एक्स बार इक्वल्स टू कितना है फाइव पॉइंट थ्री तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं मीन निकाल सकते हैं तो आप सभी को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल लेकिन मैं फिर से एक बार बताती हूँ ध्यान से देखिए कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको डाटा गिवन रहेगा तो एक बार चेक करना है कि उसमें फ्रिक्वेंसी गिवन है या नहीं है अगर नहीं होती तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को निकाल देते और ये समेशन एफ आई की जगह पे क्या लिखते कैपिटल एन ठीक है कैपिटल है यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये लिखते अगर आपने गलती से यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑब्जर्वेशन करके लिख दिया तो आपका आंसर गलत होता ना यहाँ पे ठीक है तो ध्यान से जब फ्रीक्वेंसी रहेंगी तो फॉर्मूले में क्या लगाना है यहाँ पे एफ आई और यहाँ भी एफ आई तो समेशन एफ आई एक्स आई बाई समन एफ आई तो इतने कॉलम होने चाहिए तो काउंट करते हैं कितने कॉलम बनेंगे पहला कॉलम एक्स आई का दूसरा अकेला दूसरा कॉलम एफ आई का ये भी सिंगल कॉलम रहेगा एंड तीसरा ये दोनों साथ साथ है एफ आई इंटू एक्स आई तो एक्स आई एफ आई एंड तीसरा एफ आई इंटू एक्स आई तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लिए हैं कॉलम वाइज एफ़ आई भी कॉलम वाइज़ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आता है ऐसे हमने कैलसी का यूज़ करते तो हुए मल्टीप्लिकेशन कर लिया अब ये फार्मूला यहाँ पे साइड में लिखा अब ऊपर तो एफ आई इंटू एक्स आई की एडिशन है तो ये कॉलम के हमने नीचे क्या कर दी एडिशन एंड डिनोमिनेटर में एफ आई की एडिशन तो यहाँ पे एफ आई की क्या कर दी हमने एडिशन एंड कैल्सी में ये डालने के बाद एंसर कितना आ गया फाइव पॉइंट थ्री तो मैंने आपको कैल्सी में ये बटन दबाने के बाद बताया था ऐसा ये लेकिन आप सिंपल भी कैलकुलेशन कर सकते हो कैसे टू वन टू ठीक है डिवाइडेड का सिंबल है आपके कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय कितना है फोर्टी फोर्टी कितना आता है आप डाल के देखिए फ्रैक्शन बता रहा है कौन से बटन दबाएंगे एस डी डिलीट के ऊपर के बटन दबाने के बाद देखिए फिर से फाइव पॉइंट थ्री तो इस तरीके से आपको मीन कैलकुलेट करना है सो so, एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया उसी के ऊपर से ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं सो कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सो मार्क्स यानी एक्स आई होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी एफ आई फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे गिवन है ये देखिए यहाँ अनग्रुप डाटा है लेकिन क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी तो फॉर्मूला फिर से क्या रहेगा एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई आई तो ये आपको कॉलम बनाने हैं वन टू थ्री एंड नीचे में उसका एडिशन करने के बाद आंसर फाइंड करने हैं मैंने यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं आप ये तुरंत सॉल्व करिए ये वीडियो देखने के बाद आप इसे रिवर्स करके देखिए और अपनी डिफ़िकल्टी सॉल्व करिए एंड तुरंत ये असाइनमेंट कंप्लीट करिए सो so, अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया नाउ यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन हैविंग फ्रिक्वेंसी यानी कि आप मीन का फार्मूला अगर फ्रिक्वेंसी गिवन है तो कैसे रहता है ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो यानी एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई ये उसका फार्मूला है ये बता सकते हो इसे एक्सप्लेन कर सकते हो एफ आई एंड एक्स आई का क्या करेंगे पहले हम मल्टीप्लिकेशन एंड देन उसकी क्या करेंगे एडिशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन ऑफ गिवन डाटा बाय यूजिंग द फार्मूला एंड इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप मीन फाइंड कर सकते हो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम यानी कि ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का आगे कैसे यूज़ होता है उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स सो so, आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज मिला है मीन मीन्स एवरेज का उसे हमने फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है ठीक है तो इसलिए पी ओ वन सेटिस्फाइड होता है दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज ये जो मीन एवरेज है ये आगे सामने जो बहुत सारी फील्ड है उसमें एवरेज निकालने के लिए डाटा कलेक्शन एनालिसिस में यूज होता है इसीलिए यहाँ पर पी ओ भी सेटिस्फाइड होता है एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत सारी इंडस्ट्री में कॉमर्स में इंजीनियरिंग रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का एवरेज का यूज होता है मीन फाइंड करना पड़ता है वहाँ पे डाटा का तो इसीलिए लिए यहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये पी ओ भी सेटिस्फाइड होता है सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी मीन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो कीप लर्निंग हैप्पी लर्निंग थैंक यू